न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। सतना शहर के रीवा रोड स्थित एक पुराने और नामी होटल पार्क में बड़ा हादसा हो गया। होटल में लगी लिफ्ट टूटकर धड़ाम से नीचे आ गिरी, जिसमें महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 2 अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात रीवा रोड पर सिंधु स्कूल के सामने स्थित होटल पार्क की लिफ्ट टूटकर नीचे गिर गई। जिस वक्त लिफ्ट टूटी उसमें 5 लोग सवार थे। लिफ्ट गिरते ही होटल में कोहराम मच गया। लिफ्ट गिरने की तेज आवाज से लोगों में दहशत फैल गई। आनन फानन में उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में वे बुरी तरह घायल हो चुके थे। घायलों में संजय चमड़िया 57 वर्ष, उनकी पत्नी उर्मलिया चमड़िया, मुन्ना अग्रवाल, राजू अग्रवाल व एक अन्य महिला समेत 5 लोग शामिल हैं। चमड़िया परिवार के दोनों घायल सदस्यों को पाठक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। संजय के दोनों तलवों की हड्डी में जबकि उनकी पत्नी की कमर में फ्रैक्चर हुआ है। शेष 3 अन्य घायलों को बिरला अस्पताल ले जाया गया है। उन्हें भी मल्टीपल फ्रैक्चर होने की जानकारी मिली है। बता दें कि पन्नीलाल चौक व्यापारी संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता के बड़े भाई अनिल गुप्ता और भाभी उपमा गुप्ता की शादी की 25वीं सालगिरह पर होटल पार्क में पार्टी चल रही थी। चमड़िया और अग्रवाल परिवार के अलावा भी कई लोग उसमें शामिल थे। रात में लौटते समय संजय चमड़िया और राजू अग्रवाल वगैरह नीचे आने के लिए लिफ्ट पर चढ़े तो लिफ्ट बिना डोर बंद किए ही चल पड़ी और सीधे नीचे आ गिरी। घायल संजय चमड़िया ने बताया कि जब तक कुछ समझ में आता लिफ्ट नीचे गिर चुकी थी। जितने भी लोग लिफ्ट पर सवार थे सभी को चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही कोलगवा पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को अस्पताल भेजकर पुलिस ने मौका मुआयना किया और होटल के स्टाफ से भी बात कर जानकारी जुटाई। वहीं घायल अग्रवाल परिवार ने पुलिस स्टेशन में होटल मालिक और मैनेजर की लापरवाही के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस पर पुलिस ने आरोपी होटल मालिक और मैनेजर पर IPC की धारा 287 व धारा 337 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लिफ्ट की क्षमता 10 लोगों को ले जाने की है। हादसे के वक्त उस पर ओवरलोड भी नहीं था। इस मामले में होटल प्रबंधन की लापरवाही भी प्राथमिक जांच में पुलिस के सामने आई है। पता चला है कि लिफ्ट पिछले कई दिनों से अंडर मेंटेनेंस थी, लेकिन प्रबंधन ने उसे ना तो बंद कर रखा था और ना ही लिफ्ट का उपयोग ना करने की कही, कोई चेतावनी भी चस्पा नहीं की थी, जिसके कारण अनजाने में चमड़िया और अग्रवाल परिवार के सदस्य चढ़ गए और हादसे का शिकार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। नहीं है ये प्रॉपर, नहीं रिकॉर्डिंग सारी बना लिया, रिकॉर्डिंग मैंने सारी बना लिया भी।